हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एट्यूड मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास टेंथ आर्यस अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3B से क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 में कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। 3 अपॉन x + y प्लस 2 अपॉन x - y इज इक्वल टू 2। 9 अपॉन x + y माइनस 4 अपॉन x - y इज इक्वल टू 1। तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए। सो सबसे पहले हम काम करते हैं कि जैसा आपका वैल्यू लिखा है इसको हम अगर सब में 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको समझ में आने लगेगा कि ये 1 अपॉन x - y 1 अपॉन x + y सब में क्या है, कॉमन आ रहा है, तो उसको हम लेट कर लेते हैं। सो लेट 1 अपॉन x + y इज इक्वल टू u और 1 अपॉन x - y इज इक्वल टू v है। तो इस अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2 और 9u माइनस 4v इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे फर्स्ट, इसे सेकेंड और इसे हम थर्ड मान लेते हैं और इसे हम फोर्थ मान लेते हैं। सो इक्वेशन थर्ड में आप देख सकते हैं कि प्लस 2v है या माइनस 4v है, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमें मिल जाएगा 3 2 6 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा आपका 9u माइनस 4v इज इक्वल टू 1। सो 4v प्लस और 4v माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 9 6 हो गया 15 इज इक्वल टू 5। सो ये हो गया u इज इक्वल टू 5 अपॉन 15 यानी 1 अपॉन 3। देयरफॉर u इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब इस u की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, तो हम इक्वेशन 1 में थर्ड में रख लेते हैं। सो बाय इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है आपकी 3 × 1/3 प्लस 2v इज इक्वल टू 2। 3 से 3 कैंसिल, सो 2v इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो v इज इक्वल टू 1/2। सो v की वैल्यू 1/2 आ रही, u की वैल्यू 1/3 आ रही। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में पुट कर लेते हैं और सारे मेथड्स सब में हम क्या लगा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को रख लेते हैं। सो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ यू एंड वी इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सो वी गेट 1 अपॉन x + y इज इक्वल टू 1/3। तो हम इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर फिफ्थ बना लेते हैं और 1 अपॉन x - y इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर x - y इज इक्वल टू 2 आ गया। ये हम इक्वेशन नंबर सिक्स बना लेते हैं। सो इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स को देखिए, इन दोनों की इक्वेशन को हम अगर ऐड कर दें यानी कि x + y इज इक्वल टू 3 और x - y इज इक्वल टू 2 कर दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू आ गया 5/2, x की वैल्यू आई 5/2। इसी वैल्यू को हम इक्वेशन फिफ्थ में रख लेते हैं बाय इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन फिफ्थ क्या है, x + y इज इक्वल टू 3 है तो x की वैल्यू आई है 5/2 प्लस y इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू 3 माइनस में 5/2। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका 6 - 5 यानी 1/2। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 5/2। तो यही हमें दोनों वैल्यूज़ मिल रही हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको 1 अपॉन x + y और 1 अपॉन x - y को एक बार लेट करना है। इसका मतलब आप ये सोच सकते हैं कि क्वेश्चंस जो आपके हैं इस टाइप के वो डबल एलिमिनेशन हो गए। एक बार यहाँ पे हमने एलिमिनेशन किया, u और v से फाइंड किया, देन दोबारा हमने x और y फाइंड करने के लिए फिर से एलिमिनेशन सॉल्व किया। तो इस तरह से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।